जयपुर से बड़ी खबर है, नीट का पेपर लीक कर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जयपुर से बड़ी जानकारी है, नीट का पेपर लीक करके फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा। करीब 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भांकरोटा थाना पुलिस को सफलता मिली है। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ में सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या जानकारी है, क्या हाथ लगा है और खबर ये कि पूरी जानकारी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी? जी हाँ, देखिएगा, इस पूरे मामले का खुलासा दोपहर 3 बजे डीसीपी जो वेस्ट है ऋचा तोमर उनकी तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अब तक जो सूचना हाथ लगी उसमें ये है कि भांकरोटा थाना पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है जो नीट का पेपर लीक करके फर्जीवाड़ा करना चाह रहे थे और इसका इनपुट पुलिस को मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। ऐसे के अंदर अब पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी और पूरे मामले में क्या क्या खुलासा होगा, कौन कौन लोग शामिल थे, कहां कहां पे इनका नेटवर्क था, इस पूरे मामले का खुलासा 3 बजे बाद हो पाएगा जो ऋचा तोमर की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस पूरे गिरोह के अंदर मुख्य सरगना कौन है, इनका नेटवर्क क्या था और किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। लेकिन जियाउद्दीन, जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, कहां के रहने वाले हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया, सिर्फ इतनी ही सूचना हमारे सूत्रों से चल पाई है कि 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये पूरा जो मामला था रीट के पेपर को लेकर, लीक करने को लेकर फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ था। ऐसे के अंदर पुलिस 3 बजे इसका खुलासा करेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कहां से गिरफ्तार किया गया, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं और कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था। क्योंकि पुलिस के पास लगातार इनपुट मिल रहे थे कि राजधानी जयपुर के अंदर कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं या कई ऐसे लोग हैं, गिरोह हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उसके अंदर पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करवाते हैं, डमी कैंडिडेट बिठवाते हैं और उसी के बाद से ये पूरा मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी 4-5 दिन पहले भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी। जियाउद्दीन, ये सभी एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं क्या? नहीं, देखिएगा, अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कई ऐसे नेटवर्क हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जब जब होती हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। साफ तौर के ऊपर मोटी रकम लेकर ये उनको पास कराने के लिए डमी कैंडिडेट बिठाते हैं या पेपर लीक कर देते हैं या किसी और तरीके से ये इस परीक्षा के अंदर उनको फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि प्रताप नगर थाना पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था नीट के एग्जाम से 1 दिन पहले, वो ऐसे थे जो दिल्ली के अंदर जाके एक अपने डमी कैंडिडेट के जगह, मतलब किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह वो कैंडिडेट बैठते, लेकिन उससे पहले पुलिस को इनपुट मिला और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ये दूसरा गिरोह है, ऐसे कई दर्जनों गिरोह राजधानी जयपुर और राजस्थान के अलग अलग शहरों के अंदर संचालित होते हैं। जैसे ही परीक्षा की तारीख नजदीक आती है ऐसे तमाम गिरोह हैं जो सक्रिय हो जाते हैं।